leader, but my passion is past life regression. So I have done so much research in past life regression therapy. तो थोड़ा सा आज एक उसके पक्ष को आज छेड़ेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी तीन तरह की होती है, एक तो पिछले जन्म की, एक वॉम्ब, जब हम मदर वॉम्ब में होते हैं। आज कुछ उसके पक्ष में बात भी हुई थी, जिसको हम गर्भ संस्कार भी कहते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो जो संस्कार मिलते हैं वो बच्चा का ग्रहण करता है और उसके मन में, उसके जहन में सब कुछ वो बैठता है। वो वैसा ही रिएक्शन देता है, वैसी ही उसकी बॉडी बनती है, वैसा ही उसका माइंड, इमोशन, चीज़ें सब कुछ वैसे ही बनती हैं। और तीसरी पास्ट लाइफ होती है हमारे प्रेजेंट लाइफ का पास्ट। जो प्रेजेंट लाइफ का पास्ट, वो आपके बचपन भी हो सकता है, बीता हुआ कल भी हो सकता है। तो प्रेजेंट लाइफ का जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट पे बहुत इफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। इसको आज के टाइम पे चाइल्डहुड अब्यूज के नाम से जाना जाता है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने ये टर्म सुनी है या नहीं। इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, चाइल्डहुड अब्यूज। फॉरेन कंट्रीज में चाइल्डहुड अब्यूज थेरेपी के लिए बहुत सारे सेंटर्स भी बने हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी अवेयरनेस कम है। आखिर है क्या ये चाइल्डहुड अब्यूज? हमारे बच्चे जो बहुत ही सुसाइडल टेंडेंसी है सफर कर रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज बहुत हैं। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर मैं खुद देखती हूँ, मेरे पास 2000 के बाद के बच्चे जो आते हैं, दे आर वेरी मच स्टक इन टू देयर इमोशनल थिंग्स। हर किसी को लव लाइफ जाननी है, हर किसी को एग्जाम में क्लियर होंगे कि नहीं जानना है, पार्टनर ने कॉल बैक नहीं किया तो उनको एंग्जाइटी होने लगती है, पैनिक हो जाते हैं। और टैरो कार्ड रीडर से भी उनको दिन में 10-10 बार बात करनी है, उनको अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। ये एंग्जाइटी, ये फेयर, ये डिप्रेशन, ये ट्रॉमा, ये सुसाइडल टेंडेंसी, ये है सारी चाइल्डहुड अब्यूज इश्यूज। इनफैक्ट इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक लॉस्ट, एक बाउंडेड। लॉस्ट क्या है? जो बच्चे हमारे बचपन में ही बहुत इमैच्योरली बिहेव करते हैं, बहुत जेलस होते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं और अलूफ रहना पसंद है, उनको बाकियों से कटे कटे रहना पसंद है, अकेले रहना उनको बिल्कुल पसंद है, भीड़ से डर है उनको, अगोराफोबिया भी बोलते हैं इसको, भीड़ से डर, सोशल नहीं हो पाते हैं, ये है लॉस्ट चाइल्ड। और बाउंडेड चाइल्ड कैसे हैं? जिनको एडिक्शन हैं, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो बाउंडेड हैं। जिनकी अपने घर वालों से बनती नहीं है, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, वो बाउंडेड हैं। इसी वजह से इनके रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो रहे हैं आजकल। जैसे आप डिवोर्स सुन रहे हो, इतनी सेपरेशन सुन रहे हो, और रिलेशनशिप्स में किसी के साथ भी नहीं बनना। इनफैक्ट उनको सक्सेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, अपने करियर में सक्सेस नहीं पा रहे, बिकॉज वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ही हाई लेवल का है। तो हम बात करते हैं कि इनको हील कैसे किया जाए। ऐसे बच्चे आपके आसपास आपको ज़रूर दिखेंगे, बिकॉज एक सर्वे के थ्रू पता चला है कि 10 में से 4 बच्चे चाइल्ड अब्यूज का इशू है, उनको चाइल्ड अब्यूज से वो पीड़ित हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है चाइल्ड अब्यूज, कैसे? सबसे पहले निग्लेक्शन। जब बच्चों को निग्लेक्शन मिलती है ना अपने घर में, वो केयर, वो पैम्परिंग नहीं मिलती, वहां से आता है। सेक्सुअल अब्यूज, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, आप लोग आए दिन रेप्स एंड ऑल की न्यूज़ सुनते हो, तो सेक्सुअल अब्यूज से। फिजिकल अब्यूज से भी ये चीज आ रही है, जब हम बच्चों को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, तो फिजिकल अब्यूज से। एंड द फोर्थ थिंग इज मेंटल अब्यूज, उनको ब्लेम करना, तुमने ये किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, तुम कर नहीं पाते, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो ऐसी चीजें जब हम उनको करते हैं, ये भी एक बहुत मेजर इशू है जो उनके दिल में बैठ जाता है, कि उनके इमोशन स्ट्रक करता है, उनका मेंटल स्टेटस स्ट्रक करता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में एज वेल एज अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पाते। तो अब हम बात करते हैं इसको हील कैसे किया जाए। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट उसको उस जगह पे ले जाते हैं जहां से वो प्रॉब्लम आई है, और रीस्क्रिप्टिंग करते हैं उस प्रॉपर सिचुएशन की। रीस्क्रिप्टिंग करके उस जो भी उस सिचुएशन में अच्छा है उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उस चीज से बाहर आ सके।
आप लोगों के पास क्या इजी वेज है, जिस चीज का भी फोबिया ट्रॉमा है उस बच्चे को उसी चीज के साथ उसको लड़ना सिखाइए। मेक हिम और हर एडवेंचरस। ऐसा नहीं कि ये बच्चों के बीच में ही है प्रॉब्लम्स, आप में मेरे में किसी में भी हो सकती है। इट इज जस्ट लाइक वी आर ग्रोन अप, अब हमें दिख रही है, लेकिन हम इसको पैदा ही ना होने दें। हम सभी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे भी होंगे एटलीस्ट। अब हम अगर ये सीख जाते हैं तो हम केयरफुल हो जाएंगे कि अपने बच्चों के बीच में ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, और अगर आए तो उनको पहचानिए, उसको लाइटली मत लीजिए। इंडिया में ये बहुत हो रहा है, लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, इसका नेचर ऐसा, ये सीरियल है, ये स्टबर है, ये किसी की सुनता नहीं। अरे सुनता क्यों नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसका बिहेवियर अगर ऐसा है तो क्यों है, हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो उनकी नेचर का पार्ट बन जाता है और वो वैसा ही बिहेव करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट इससे हेल्थ इश्यूज भी तो आ रहे हैं। अगर आप मेंटली स्टक होंगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, इमोशनली स्टक होंगे तब भी हेल्थ इश्यूज आएंगे। आप अपने रिलेशनशिप्स को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने लाइफ में करियर सक्सेस कुछ भी नहीं पा पाओगे। सो ये हमारा भविष्य है, अपने भविष्य को संवार कर उनकी ग्रोथ करनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। और जिन लोगों को आज भी पता चल रहा है कि हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम्स है, वो भी हील कर सकते हैं। अगर आप प्रीस्क्रिप्टिंग कर पाए इट्स वेरी गुड। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो यू कैन डू सेल्फ हिप्नोथेरेपी विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशन। जस्ट अगर आपको जो भी फेयर ट्रॉमा है, जस्ट अफर्म दैट आई एम लविंग टू डू दिस वर्क। आप वैसे प्लेसेस पे जाइए, अगर आपको किसी भी चीज का डर है, किसी को डॉग फोबिया है, किसी को धूप से फोबिया है, किसी को ऊंचाई से, किसी को बारिश से, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे फोबिया वाले, किसी को डॉग से है, किसी को बंदरों से है, ऐसे फोबिया भी है, किसी को लोगों के बीच में बैठने से फोबिया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उनको हील करने के लिए सबसे इजी बेस्ट वे आउट है एडवेंचरस होना, फ्रेंड्स बनाना, सोशलिज्म एंड सबसे इजी सेल्फ लव एंड एफर्मेशन। सेल्फ लव इज द की फॉर एवरीथिंग। इट इज नॉट लाइक यू नीड टू यू नो बी सेल्फिश, इट इज जस्ट लाइक यू नीड टू बी सेल्फ ओरिएंटेड। अगर आपका कप भरा होगा दूसरों के कप में पानी डालोगे, अगर आप खुद ही खाली होंगे तो दूसरों को क्या देंगे। सो अपने आप को फिल कीजिए, अपनी डिजायर्स को फुलफिल कीजिए, अपने मन को मत मारिए जितना हो सकता है, एटलीस्ट वो चीजों को तो एंजॉय कीजिए। हाँ हर चीज फाइनेंशियली हम कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता, कोई कर सकता है, डजंट मैटर, लेकिन जो बिना फाइनेंसिस की छोटी छोटी खुशियां हैं वो तो आप ग्रैब कर सकते हो, उसके लिए अपना मन मत मारो। हमारे इंडिया में चाइल्डहुड अब्यूज सबसे ज्यादा सफर कर रही है फीमेल। आज तो बहुत वक्त बदल गया है खैर, लेकिन पहले फीमेल को हर फीलिंग्स को सुप्रेस करने के लिए बोला जाता था, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, यू आर नॉट अलाउड टू यू नो एंजॉय योर लाइफ, बॉयज की तरह आप घूम फिर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज उन्होंने ही सफर किए हैं, बिकॉज वो मेंटली इमोशनली स्टक थे, उनकी फीलिंग स्टक थी, सुप्रेस की हुई फीलिंग कहीं ना कहीं तो बाहर आएंगी ही। सो माई एडवाइस इज लव योरसेल्फ। इफ यू लव योरसेल्फ एवरीवन अराउंड यू इज गोइंग टू लव यू, एंड इफ यू लव योरसेल्फ यू आर गोइंग टू हील योरसेल्फ। इट इज द वंडरफुल हीलिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।